अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, जहाँ रहें अल्लाह के अमान में रहें, आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप सब लोग, और ताक रातें भी शुरू हो गई हैं, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े। हाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अपनी ख़ास दुआओं में, ताक रातों में मुझे भी याद रखिएगा। तो फाइनली जी मैं वापस घर जा रही, तो बस वो पैकिंग भी चल रही है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ जी अब पर आ गए, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या लेके जा रही हूँ। सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आपको पता है कि मैं यहाँ से शॉपिंग करके जाती हूँ, इस्लामाबाद से आती हूँ, तो घर का छोटा मोटा सामान होता है जो मैं लेके जाती हूँ, बच्चों का कुछ सामान होता है वहाँ से भी लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर आती हूँ यहाँ से भी लेके जाती हूँ जो मुझे मतलब यहाँ के बाज़ारों का पता है, तो इसलिए मैं यहाँ से भी लेके जाती हूँ। तो कुछ सामान लिया मैंने, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, और जो नए आने वाले हैं प्लीज़ लाइक किया करें, वीडियो देखा करें, फिर सब्सक्राइब किया करें, और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और बहुत से लोग, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, बहुत से लोग मुझे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, और इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हाँ जी हम आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, और हम इसी तरह आगे और वीडियो मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते रहें। इतने दिनों से आपसे रेसिपी कोई शेयर नहीं की, बिकॉज़ मैं यहाँ फ़र्क के घर आई हुई थी। अभी इस ब्लॉग में तो मैं आपको, आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मेरा अगला ब्लॉग इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो अपने घर में होगा इंशाल्लाह ताला। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या क्या होता है। अभी आए हुए मुझे कितने दिन हुए हैं, और इनके पापा टपक पड़े हैं लेने के लिए, आए जाना तो मैंने नहीं है, लेकिन अभी उनके साथ जा रही हूँ, बच्चों के लिए, बच्चों की याद आ रही थी तो आ गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उन्हीं के साथ बाहर, बच्चों ने आइसक्रीम खानी है, तो चलें चलते हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ बास्किन रॉबिन, बच्चों को आइसक्रीम दिला दूँ, तो देखते हैं कौन सा फ्लेवर चूज कर। मीनू ने आइसक्रीम ले ली है, रॉबिन ने भी ले ली, कौन सी मीनू ने आइसक्रीम ली है, पर्पल कलर, इसको क्या कहते हैं, कॉटन कैंडी, कौन सी, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी, यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे ब्लू है, वाओ। खा लिया आइसक्रीम, वापस घर आ गए थोड़ी सी देर की, रात को आधी रात को इनको दौरा पड़ता है बाहर जाने का, टाइम वॉच करें भाई इसकी कैसी होगी, पर्पल कलर, घर आ गए, खोलो बेटी दरवाजा, खुला बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। के जा चुके थे, अभी है सहरी का टाइम, सहरी कर ली है मैंने और राबेल ने, और सोलू ने सहरी कर ली, और बाहर आंधी तूफान है, मतलब बिजली चमक रही है, और आए तो थे हस्बैंड लेने के लिए, छोटी नीनों की वजह से उनका दिल नहीं लगता, वो ज़रा उनको बिजी रखती है ना, तो इसलिए उनका उसके बगैर दिल नहीं लगता, तो लेने के लिए आए थे। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया, नीनू की शूज़ वापस कराने हैं, कुछ और थोड़ा सा काम और है, तो वो कर लूँ, तो फिर देखती हूँ क्या प्लान बनता है, कब जाना है, और फरा आज है, जहर सी बात है अपना घर मेरे हवाले करके गई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह मैं चली जाऊँ, अभी वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं वापसी का क्या प्लान होता है मेरा, कब जाती हूँ मैं घर, और ईद पे भी मुझे दोबारा ही आना है। आप लोगों को पता है कि मेरी अम्मी की पहली ईद है, कि अम्मी हमारे साथ नहीं है, तो वापस आना है यहाँ पर। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मतलब दिल कांप जाता है कि माँ नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ता है, कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन भी नहीं होता कि अम्मी नहीं है, जब यहाँ आती हूँ तो अम्मी पहुँच जाती थी, तो एहसास ज़रूर होता है कि अब अम्मी नहीं है। खैर
अभी रोज़ा बंद होने वाला है, नीनो सो गया, नीनो की थोड़ी तबीयत छूं छूं कर रही है, लेकिन आइसक्रीम भी उसने खाई है और उसकी ज़िद के आगे फिर किसी की चलती भी नहीं है। तो बस अभी सहरी कर लिए, अब नमाज वगैरह पढ़ेंगे और थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह, फिर हम सो जाएंगे। देखते हैं फ़र्क कब तक आती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला बाकी बातें फिर आपसे सुबह में होगी। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मैंने लिया वो आपको दिखाऊं। काफ़ी नीनो को बहुत लूज़ भी है, नीनो का साइज़ नहीं मिल रहा था। मैंने भी कपड़े नीनो के ट्राई किए हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत लूज़ है, लेकिन उसका हल है मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। दर्जन हूँ, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, तो वो भी देखते हैं क्या होता है। बिकॉज़ सीने में बहुत टाइम लगता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए भी उनके पास कपड़े नहीं थे। तो मैंने कहा उनके लिए घर में किसी का आना जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने एक दो फ्रॉक्स नीनो के लिए हैं, कॉटन की, फैंसी नहीं ली हैं, बिल्कुल सिंपल से ली हैं। और बस यही अभी सारा कुछ है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह इंशाल्लाह ताला, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या क्या होता है मेरे महके में, मेरे भाई के, क्या छोटा भाई है उसके घर में क्या क्या करती हूँ सब आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। अजान हो रही है, अभी इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी, जान तो इसलिए आगे नहीं जा रही है। हाँ ना, मैं इसलिए नहीं आगे जा रही, पता तो है मुझे, डर लगता है बिजली चमकने से। अजाने गूंज रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। सो फाइनली जी फरा वापस घर आ चुकी है और वो वीडियो बना रही है और मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था वो आ जाएंगे अकेले का, तो बस का काम नहीं था ये। ये देखिए, ये नॉर्मल वेयर फ्रॉक्स, कॉटन लोन ये फ्रॉक्स है, ये नीनो की है, थ्री पीस फ्रॉक और विद दुपट्टा, ये नीनो के लिए लिया है। नीनो को लूज तो बहुत है, नीनो के साइज का कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक ड्रेस ये लिया है, ये भी फ्रॉक है और ये भी ये टू पीस है और ये टू पीस है और लूज। ये देखे नीनो को बहुत है, नीनो की चीजें बहुत मुश्किल से मिली है। और एक नीनो की ये फ्रॉक है, इसके साथ चूड़ीदार पजामा है, ये इसके साथ चूड़ीदार पजामा है वाइट। अच्छा जी, नीनो के ये हो गए। और नीनो के शूज नहीं मिले हमें शू मार्ट से, हमें नहीं इसका साइज मिला था, हम पहले इस्लामाबाद गए थे तो ये हमने लिए कमर्शियल से और इसके साइज छोटा हो गया था, अभी मैं साइज भी चेंज करवा कर लेकर आई हूँ। इसकी चीजें भाई बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिली है। ये एक वाइट नॉर्मल वेयर के शूज लिए हैं मैंने, ये क्योंकि वाइट लिए हैं और एक पिंक लिए हैं ताकि वो हर किसी सूट के साथ जा सकें। अभी एक और सोच रही थी लेकिन मिला कोई नहीं, मैंने कहा था ब्लैक में भी एक ले लूंगी। ये है नीनो के, सो नीनो की ये रहा, ये चीज़ें ली हैं मैंने। और राबेल का एक ये टू पीस सूट, ये राबेल का सिंपल शलवार कमीज सूट, ये ट्राउजर है, शलवार नहीं है नहीं। और ये नॉर्मल वेयर के लिए ये जूतियाँ ली हैं, ये ली है और एक ये ली है। राबेल वैसे तो जॉगर्स पहनती हैं, कैनवी शूज जिसे क्या कहा जाता है, वो यूज़ करती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये ले ली क्योंकि गर्मी आपको पता बहुत है। और ये दो स्टॉल अपने लिए लिए हैं, आपको पता है मैं दुपट्टे तो नहीं, बड़ी बड़ी चादरें तो नहीं ये यूज़ करती हूँ, दो ये अपने लिए लिए हैं। और ये भी राबेल का है, ये और इसके ये भी राबेल का है, ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। और ये किचन का मैंने आपको कहा था, वो डिस्पोजेबल बर्तन तो आपको दिखा दिए थे कि वो लेकिन किचन का थोड़ा सा सामान लिए, कटोरे और ये काउंटर मेरे लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, एक ये पिज़्ज़ा कटर लिए और ये प्लेट्स, बस ये सामान लिया है मैंने। और खाने पीने का बच्चों का जो होता है वो भी आपको दिखा दिया था कि उसमें क्या क्या था, बस ये थोड़ा बहुत सामान लेके बस। अब ये ना कहिएगा आप लोग के दिखाया नहीं, ये सारा कुछ है। और प्राइस मुझे खुद भी अब याद नहीं कि कितने कितने का था, बिल पड़े हुए हैं पर्स में, तो अव्वल तो आप पूछेंगे नहीं क्योंकि महंगाई बहुत है, पूछने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये सामान है टोटल जो मैंने लिया है बच्चों के लिए। तो आगे देखिए फिर क्या दिखाती हूँ आपको, जो भी हुआ अपडेट आपको देती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ जी। वीडियो में आपको टोटे टोटे मिल रहे होंगे, आज फ्राइडे है और आपको जुमातुल मुबारक, और मेरे घर जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है, मुझे घर भी वापस आना है, राबेल का स्कूल है। और टोटे टोटे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ब्लॉग फिर अब बोर हो जाता है ना, फिर बार बार वही ब्लॉग देखकर,
तो इंशाल्लाह ताला अब मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। सामान मैंने आधा पैक कर लिया, आधा शुरू हो चुकी है, और अभी बच्चों को नहलाऊं धुलाऊंगी और कुछ काम है, कुछ पैकिंग है वो करूँगी, और आज का सारा दिन का दिखाऊंगी कि आज सारा दिन मैं क्या क्या कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला कल फिर अपने घर जाना है मुझे, और राबेल का स्कूल भी है, वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपको बताइए के बाद एग्ज़ाम्स होंगे। ये देखे बच्चों के तो बस यही काम है, ये और टीवी। ये क्या देख रहे हो? ये और टीवी चल रहा है यहाँ पर। ये बैठी नाइट सूटों में अभी तक। ये किचन में काम मैंने आपको कहा था, उसकी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, उसको व्लॉग में आना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ज़्यादा दिखाया नहीं है। और ये मैंने पेटी भी फैलाई हुई है और इसमें सामान पैक करूँगी, दिखाती हूँ आपको। यही पेटी है जो मैंने आपको दिखाया था, वो बॉक्स हमने लिया था अभी मैंने, क्योंकि मेरे पास उठाने की और सामान रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं ये बाद में ले लूँगी। भाभी ने भी लिया था, ये ऐसे ही बॉक्स है बच्चों की कुछ चीज़ें टॉयज़ वगैरह रखने के लिए लिया। ऐसा बॉक्स मुझे भी लेना था, लेकिन हम इतने दो बंदे इतना कैरी नहीं कर सकते थे, इसलिए लिया नहीं। तो ये मेरा पेंडिंग भरा ये डब्बा मैंने रखा है, जिसमें मैं सारा सामान पैक करूँगी, बिकॉज सामान भी ज़्यादा हो चुका है। डिस्पोजेबल बर्तन मैंने आपको दिखाए थे वो भी थे, तो सामान अभी हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये है मेरा सामान, बैग में एक लेकर आई थी और एक शॉपर था, अभी ये मेरा सामान है। और अभी मेन जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें राबेल और हरेन की बाहर पड़ी हैं, स्कूल बैग बाहर पड़ा है, और ये मतलब अभी शूज़ वगैरह बाहर पड़े हुए हैं। ये सामान है मेरा थोड़ा सा, ये मैंने पैक कर लिया, थोड़ा सा रहता है मतलब, अब बाकी सब क्लियर हो गया और कमरा सारा साफ़ सुथरा है। तो मम्मी को भी मैंने कुरान पर ख़त्म किया था और सवा लाख दुरूद पढ़ा था, और उसके लिए फिर आज देख देगा घर में छोटी सी ख़त्म भी, ख़त्म तो नहीं बस गरीबों में तकसीम करेंगे, ख़त्म तो नहीं मतलब ऐसी बस पहले है कि अम्मी रमज़ान में ख़त्म भी दिलाती थी, ये सारी चीज़ें अम्मी करती थी जो हम कर रहे हैं। बस कुरान पाक पढ़ा है मैंने, दुरूद पढ़ा है, तो वो मैंने कहा कि वो सब मोमिन मुसलमान बहन भाई जितने मतलब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, दुआ कर दी जाए कि अल्लाह पाक इसका जो साले सवाब है वो मेरी माँ को पहुँचे और सारे जितने लोग जा चुके उन सबको पहुँचे। तो दुआ करी, सबसे छोटी सी दुआ करवाई है, और बाकी जो अफ्तारी थी घर में और मस्जिद और बाहर जो लोग होते हैं उनको डब्बे बना बना के, जो डिस्पोजेबल डब्बे में लेकर आई थी आपने देखा था, परा लेकर आई थी, वो हमने सारे बाहर बांट दिए थे, ये काम आते हैं, इसलिए मैं घर में रखती हूँ, किसी को देना हो तो इस तरह काम आते हैं। तो अभी तक तो इतना ही। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام من ذلك الكتاب السلام على رسول الكريم ربنا فبلغ في لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا तो जी यहाँ पर देख आ चुकी थी, सोनू ने मिक्स किया, बहुत गरम गरम थी, उसका हाथ जल रहा था, मैं उसे कह रही थी लाओ मैं करूँ, क्योंकि लेडीज़ को किचन में काम कर करके हीट शायद इतनी नहीं लगती, मेरे हाथ पे इतनी हीट नहीं लगती, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो मैंने सोनू को कहा कि आप बांट कर आओ, मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना रही हूँ ताकि वो बॉक्स बाहर हम बांट सकें और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको मिल सके ये सब कुछ। अफ्तारी हुई, ये चीज़ें हमने बाहर भिजवा दी थी कि भाई मुस्तहिक लोगों को मिल सके। सोनू और हुसैन जो उनसे हैं ये काम कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बॉक्स बना बना के पैक किए जा रही थी ताकि जल्द से जल्द ये काम भी हो जाए, बिकॉज़ रोज़े का टाइम बहुत करीब हो रहा था, रोज़ा खुलने वाला था, ऊपर अफ्तारी की सारी चीज़ें तैयार थी, आलमोस्ट फरा ने सारा कुछ तैयार कर दिया था पहले ही, आपने देखा होगा टेबल पर सब कुछ तैयार था, तो इसलिए मैं नीचे फहद के साथ आ गई थी। मैंने कहा चलो ये बॉक्स बना के आप बांट दो, और ये काम सब अम्मी करती थी, बस हम लोग कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें, आपके बड़ों की जो हैं उसको फॉलो करते रहा करें, उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे देखें रोज़े का बिल्कुल टाइम करीब था, ये लास्ट था, तो मैंने कहा जल्दी से बांटो, ऊपर सारे हमारा वेट कर रहे हैं, तो उसने कहा हाँ बस मैं देख कर जल्दी से आ रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ी सी सफाई कर देंगे, बिकॉज नीचे का पोर्शन है तो यहाँ पे मेरी वजह से ये थोड़ा मेस हुआ, तो यहाँ से ब्रश ला के इसको क्लीन कर दें और बस सारा ख़त्म हो चुका है। ऊपर भी जाती हूँ दिखाती हूँ आपको, फाइनली सारा काम हो चुका है। इतने मच्छर नज़र आ रहे, ये ग्रीनरी की वजह से पता नहीं है, ये देखिए कितने बड़े बड़े मच्छर हैं, मेरे आस पास तो बहुत ज़्यादा ही हैं,
और शायद ये डार्क कलर का दुपट्टा इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ से क्लीन कर लिए, देखिए ओ माय गॉड, ये देखिए पता नहीं, ये देखिए कितने ज़्यादा मच्छर है मेरे आस पास, ये देखिए। नीचे से सफाई हो चुकी थी, ये ऊपर घर में हमने बनाए थे, फ्रूट चाट थे, समोसे थे, पकौड़े थे, डिफरेंट शरबत थे और खाना था राइस जो हमने बनाया था, इसके साथ स्ट्रू भी बना था लेकिन बच्चों ने कहा स्ट्रू ने अभी नहीं खाना, तो मैं फाइनली फारिग होकर ऊपर। जी कैसी लगी मेरी शॉपिंग आपको, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। शॉपिंग क्या बच्चों की बहुत ज़रूरी, फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बच्चियों के लिए कपड़े खरीदे हैं रेडीमेड, मैंने कभी भी यहाँ से नहीं खरीदे। हाँ जो मैं घर में सीती हूँ वो आप देखते रहते, लास्ट ईयर भी मैंने घर में ही कपड़े बनाए थे, वहाँ पर एक शॉप थी उवानी और आप हरीम के लेते थे बेबी शॉप से और बस इसी तरह या रेड टैग से लेती थी मैं, तो जहाँ से मुझे वैसे अच्छे लगते थे मैं ले लेती थी लेकिन ज़्यादातर यहाँ से लेती थी। पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम मेरी शॉपिंग है और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक कोई नेक सबब बनाए, हम वापस यहाँ से वापस चले जाएँ, कोई अल्लाह पाक मेरे मियाँ की जॉब लगा दे। परेशान भी होती हूँ, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इंशाल्लाह ताला सब अच्छे दिन दोबारा से आ जाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली अपने घर, इंशाल्लाह ताला आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ मेरी फिर वही रिक्वेस्ट, जो नए आने वाले हैं प्लीज़ बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और सेकेंडली जो लोग मुझे देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दिया करें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ इन तांग रातों में, मैं अल्लाह पाक से यही आप सबके लिए कहूँगी, अल्लाह पाक जिस जिसकी जो जो परेशानी है सबको दूर कर दे, जिस जिसकी जो जो जायज़ा चाहत है सबको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। और जिन जिन के प्यारे इस दुनिया से जा चुके अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उसके सदक़े से मेरी माँ के दर्जात भी बुलंद करे, मेरी माँ को, मेरे बहन भाइयों को, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर एक नई शेयरिंग के साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।